चाहता हूँ कि विश्व क्रांति की पहली शहीद महिला जिनका नाम आपना खातून है और फरखाबाद जिले की याकूतगंज की रहने वाली हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि याकूतगंज में तब एजुकेशन था जब बड़े बड़े मुस्लिम गांवों में एजुकेशन नहीं था। याकूतगंज में प्रधानी तब थी जब मुस्लिम प्रधान होने को तरसता था। इन लोगों ने भी एक ग्राम समाज की जमीन लेकर उनके नाम से कोई स्मारक बनाने का काम नहीं किया, इसकी बड़ी हमें तकलीफ है। और हम जब भी रहे विपक्ष में रहे, अगर आने वाले दिनों में जब भी सरकार में आए तो इस जिले में पहला काम होगा कि आमना खातून, शहीद आमना खातून के नाम से पार्क भी बनेगा, स्टैचू भी बनेगा और उनके याद में हर साल कार्यक्रम भी होगा और उनके याद में फतेहगढ़ महोत्सव में भी प्रोग्राम होगा। फतेहगढ़ महोत्सव की तैयारियां शुरू, बैठक कर बनाई रणनीति। फतेहगढ़ महोत्सव का मुख्य आकर्षण के रूप में धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की याद में होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरा। इस बार फतेहगढ़ महोत्सव के उद्घाटन में पधारेंगे सपा मुखिया और कार्यक्रम का करेंगे भव्य शुभारंभ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के रखा स्थित विजय यादव के कोल्ड स्टोर में फतेहगढ़ महोत्सव मनाने की बैठक कर रणनीति बनाई गई। फतेहगढ़ महोत्सव आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक विजय यादव की अध्यक्षता में संयोजक रिजवान ताज के नेतृत्व में संचालन राजीव वाजपेयी ने किया। बैठक में ओम प्रकाश चौटाला, असगर शेर खां, वसीउज्जमा खां, हाजी अलादीन, सुधीर कुशवा, संजीव कटिया, नारायण द्विवेदी, जवाहर सिंह गंगवार एडवोकेट, अनीस अहमद एडवोकेट, यूनुस अंसारी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने फतेहगढ़ महोत्सव को और बेहतर बनाए जाने की रणनीति बनाई। कार्यक्रम के दौरान क्रॉस कंट्री दौड़, बालक बालिकाओं की साइकिल रेस, महिला सम्मेलन, जंगे आजादी पर सेमिनार, किसान गोष्ठी, फर्रुखाबाद प्रतीक सांसद, मेधावी छात्र व छात्राओं का सम्मान समारोह, हॉकी मैच, सर्वधर्म सम्मान एवं पत्रकार, वरिष्ठ चिकित्सकों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह व कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की याद में कवि सम्मेलन व मुशायरा होगा। फतेहगढ़ महोत्सव का कार्यक्रम इस बार छठी बार होने जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव पधार रहे हैं, जिसकी जानकारी रिजवान ताज व यूनुस अंसारी ने दी। इस बार फतेहगढ़ महोत्सव होली के बाद अधिक भव्यता आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में फतेहगढ़ महोत्सव आयोजन समिति के यूपी 76 न्यूज को बताया। तो जो आज ये मीटिंग रखी गई थी उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फतेहगढ़ महोत्सव को किस तरीके से और अच्छी तरीके से मनाया जा सके, एक ऊंचाई प्रदान करी जाए, उसी के लिए हम लोगों ने इसमें विचार विमर्श किया था। और उस कड़ी में जैसा आपको बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह की स्मृति में अखिलेश यादव जी को बुलाया जा रहा है और एक उनका कार्यक्रम होगा तो उससे और इसकी उन्नति होगी, तरक्की होगी और आगे बढ़ेगा कार्यक्रम। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद पे भी कुछ मंथन था, कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, क्या बात थी वो? देखिए ये तो खुला मंच है, इसमें लोगों ने अपने विचार रखे, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि फतेहगढ़ महोत्सव हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उसको आगे ऐसा बढ़ाएं कि फर्रुखाबाद महोत्सव खत्म हो जाए, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं था ना है। हम लोग उसमें जुड़े थे, उसमें आज इसमें भी जुड़े हुए हैं लोग फर्रुखाबाद के, और ये फर्रुखाबाद पूरे जिले का महोत्सव है, फतेहगढ़ महोत्सव के नाम से चलाया जा रहा है।